वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में वन मोल मोनोएटॉमिक गैस लिया है, उसको ए बी सी साइक्लिक प्रोसेस में कंटिन्यू कराया है। ए बी सी इन तीनों पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है क्यू एडेड इन ए बी क्या है और क्यू रिमूव्ड इन सी ए क्या है। क्यू रिमूव्ड इन सी ए क्या है? तो सिंपल है, क्यू ए बी इक्वल्स टू डेल्टा यू इन ए बी माइनस वर्क डन अपॉन सिस्टम इन ए बी। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, ये कौन सा प्रोसेस है ए बी? ए बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो, तो क्यू ए बी इज बेसिकली डेल्टा यू ए बी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? देखो, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये सी वी क्या हो जाता है? एफ बाई टू आर हो जाता है। एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी। कैसे? सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। आइडियल गैस के लिए सी वी एफ बाई टू आर होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? थ्री होता है। तो डेल्टा यू निकाल लेंगे, क्यू ए भी मिल जाएगा, तो डेल्टा यू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टू एफ थ्री। मोल कितना? वन मोल। डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री इंटू आर इंटू डेल्टा टू। डेल्टा टी कितना है? 600 माइनस 300, मतलब डेल्टा टी 300 ही आएगा। अब दिस इज इक्वल टू 450 आर। सो क्यू ए बी इज 450 आर, तो ए बी आ गया। नेक्स्ट, क्यू सी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू सी ए माइनस डब्ल्यू सी ए। डेल्टा यू सी ए पता है ना, इसी फॉर्मूला से एन सी वी डेल्टा टी से निकाल लेंगे। डब्ल्यू सी ए, डब्ल्यू सी ए कैसे निकालेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक का फॉर्मूला क्या है? पी डेल्टा वी। तो डब्ल्यू सी ए इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो उसका वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी हुआ। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं माइनस एन आर डेल्टा टी से। आइसोबारिक में पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी हो जाता है। आइडियल गैस से ही आता है, तो माइनस एन आर डेल्टा टी तो हो गया डेल्टा यू सी ए एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। वन इंटू थ्री बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 300 माइनस 450 सी ए है ना, 300 माइनस 450 माइनस 150 माइनस ऑफ माइनस एन आर डेल्टा माइनस एन आर डेल्टा एन वन आर, तो वही छोड़ देते हैं। डेल्टा टी कितना? यहाँ पर भी 150। अच्छा, ये माइनस 150 हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस 150 हो जाएगा। तो ये माइनस चला जाएगा, ये माइनस मेंटेन रहेगा और यहाँ एक माइनस आया होगा, तो ये हो जाएगा आपका 75 इंटू थ्री 225 माइनस 225 आर माइनस, ये माइनस बचा है ना अभी, माइनस 150 आर। तो फाइनली आएगा 275 माइनस 375, आंसर हो जाएगा माइनस 375 आर। तो सी ए का क्यू आ गया माइनस 375। तो हीट एडेड, यहाँ पे देखो यहाँ क्यू कितना है? प्लस। तो हीट एडेड इन ए बी इज 450 आर। ये माइनस है, मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज हो रहा है ना, माइनस का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। तो कितना रिलीज हुआ? 375 आर रिलीज हुआ। रिलीज इज नॉट माइनस 375, चेंज इज माइनस 375, रिलीज इज 375। तो दिस विल बी 375 आर। माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ, रिमूव बोला है, चेंज नहीं बोला है। चेंज इज माइनस 375 आर,
तो रिमूव्ड इज 375 ग्राम।